जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में सांसद कमलेश पासवान ने जिले में सड़क सुरक्षा की गतिविधियों की निगरानी पर चर्चा करते हुए कहा कि सड़क सही न होने के कारण जिले में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों को ठीक कराने के निर्देश दिए। वहीं सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन प्रथम बी के श्रीवास्तव ने बताया कि जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 37.6% तथा मृत्यु की संख्या 32.7% और घायलों की संख्या 42.1% की कमी आई है तथा उन्होंने बताया कि जनपद में 10 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है जहां पर अधिक दुर्घटना होती है। इस अवसर पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों की सड़कों को ठीक कराने तथा सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को शासन से मिलने वाली राशि को समय पर वितरण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम बी के श्रीवास्तव, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली कुमारी, श्वेता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समिति की बैठक में माननीय सांसद जी आगमन करता है। अंदर समिति में अधिकारी महोदय और अधिकारी जिसमें हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट जो है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD, यातायात, पुलिस विभाग, सभी का बिंदु नंबर एक है एजेंडे का जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी। इसके लिए पूर्व में दिनांक 23/11/2020 को संपन्न जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत है। कृपया जो है 1-3 पेज पे एक लगा हुआ है अनुपालन आख्या है जो पिछली मीटिंग में 23/11/2020 को हुआ था उसके संदर्भ में मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ। अनुपालन आख्या से लगा हुआ है। इसमें जो पिछला पॉइंट था उसमें सड़क दुर्घटनाओं में जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक विगत वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 37.6%, मृतकों की संख्या में 32.7% एवं घायलों की संख्या में 42.1% की कमी आई है। इसके अनुपालन में जनपद गोरखपुर में माह जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक माह दुर्घटनाओं में कुल 756 दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें से 361 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 400 घायलों की संख्या में 33.52% की कमी हुई है। ये पहला पॉइंट था। ये व्हीकल में होने वाला दुर्घटना में ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कमेटी में भी हो हम लोगों ने अभी मीटिंग में हाँ सर इसमें रिपोर्ट आ गई है और जो रिपोर्ट आई है सर मैं एक बार अवगत कराना चाहूँगा। इसमें हिट एंड रन के मामले 15, गोरखनाथ से 11, शाहपुर से 15, बांसगांव से 13, गगहा से 9, बेलीपार से 21, खजनी से 11, सिकरीगंज से 8, हरपुर बुदहट से 5, मोला से 19, बड़ागंज से 21, उरवा बाजार से 3 व थाना बेलाघाट से 9 हिट एंड रन के मामले आए हैं। मदद कितने लोगों को किया आपने इस योजना के अंतर्गत की जो योजना है अभी सर ये प्राप्त हुआ है 3/2/2021 को यह आए हैं। योजना बहुत पहले से चल रही है जी। मैंने 1 लाख रुपये का था ना जो अभी तो बढ़ गया था शायद 2 लाख हो गया। और मृत्यु पे सर 2 लाख है और घायल पे 50,000। इस पे कितने प्रपोजल गया है आपका जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का वो लेवल से डिस्पोज होता है मेरा माध्यम से जाता है गोरखपुर और आजमगढ़ और ये सब एरिया में और जितने 5 साल से जो सड़कें बन रही हैं MS-29 हो चाहे ये वाला चाहे कोई भी बहुत सारी मृत्यु सड़कों की वजह से हुई है तो आदमियों को पता ही नहीं है कि ये सरकार हमको ये लाभ दे रही है। अगर जब इसको अच्छे से प्रचार प्रसार करें बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हैं जिन लोगों को लाभ दे सकते हैं तो एक भी अभी तक आपने एक भी लोगों की आपने गिनती तो गिना दिया इतने लोगों का हमने रिसीव किया
बट हमने मदद कितने लोगों का किया ये बताने का आपको बताया था इतने चल रहा है एक सप्ताह के अंदर इसमें एक ये लिखा गया है सर की जो सूचना जारी हुई है कि 500 मीटर के दायरे में विगत 3 वर्षों में 5 एक्सीडेंट और 10 मृत्यु को चिन्हीकरण किया जाए तो उसको ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाएगा। इसके आधार पर सर पूर्व में चिन्हित सभी 26 ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई कर दी गई है तथा दुर्घटनाओं की समीक्षा परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा करने के उपरांत सर्वाधिक दुर्घटना अवधिक मृत होने वाले 15 जनपदों की सूची में जनपद गोरखपुर में 10 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिसमें से 3 ब्लैक स्पॉट्स लोक निर्माण विभाग एवं 7 ब्लैक स्पॉट्स NHI से संबंधित रहे हैं जिसमें सभी 10 ब्लॉक स्पॉट पे सुधारात्मक कार्रवाई कर दी गई है। नौसर से जब जाते हैं नौसर से जब निकलेंगे बड़लगंज के लिए आप निकलेंगे मुश्किल से ये बागागढ़ का जो पुल है इसके आप जाएंगे मुश्किल से 1 किलोमीटर पर दाने दर में आप पुल के रात में अंधेरे में कोई याद नहीं वो सर मैं कोई बता रहा हूँ गड्ढा बहुत ज़्यादा था।